कुबेर मंत्र का अनुष्ठान। शुद्ध कुबेर यंत्र कैसे प्राप्त कर लीजिए, न प्राप्त हो तो आप आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। कुबेर यंत्र और कुबेर मंत्र, कुबेर मंत्र पता भी नहीं हो तो सामान्य रूप से आपको बताइए, उनका भी नाम लेकर, किसी भी देवता का नाम लेकर आप आओ मांगे और नमो इसे लगाकर आप उनका मंत्र भी जप करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ तो बस आप ओम कुबेराय नमः बोलकर भी अपना माला करना शुरू कर देंगे, तब भी कुछ विशेष। वो देवता देवताओं का काम ही है, वो बने ही देने के लिए। और थोड़ी सी आहुतियां उनकी निमित्त देनी चाहिए, जैसे कुछ भी नहीं, थोड़ा तिल है सफेद तिल है उसी की आहुति दो, केवल तिल से ही आहुति। हवन सामग्री का मतलब भी बाहर से हवन सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिल पुष्टिकारक होता है, समृद्धिकारक होता है। सफेद तिल से आहुतियां दो, खीर से आहुति दो। खीर से अच्छा है क्योंकि खीर शुद्ध जैसे क्या जो है न तो घी उपलब्ध होता है और दूध उपलब्ध होता है, तो आप जो है केवल तिल की भी आहुतियां दे, थोड़े से जितनी हो सके यथा संभव आहुतियां दिया करें। वैसे भी कुबेर जी के विशेष मंत्र होते हैं, उनकी आप मंत्र की दीक्षा लेकर भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। और आप अब ये है कि जैसे जैसे जिसकी मान लीजिए बहुत अधिक किसी के ऊपर कर्जा है, बहुत ज्यादा पुत्र दोष है, बहुत घोर बाधा है, तो जब संख्या और आहुति की संख्या थोड़ा सा बढ़ानी पड़ती है। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 ऐसे आहुतियों का संकल्प करके किसी भी स्थान पर जो दिव्य स्थान हो, जैसे हमारे आश्रम में भी हम लोग ये व्यवस्था बनाकर कि आपको यज्ञशाला बना दिए हैं, कोई भी आकर ये सोच ले कि चलो हमें इतनी आहुतियाँ देनी है तो हम सारी व्यवस्था आपको यहाँ उपलब्ध करा देते हैं, आप यहाँ कर मंत्र अपना साधना करो और आहुतियाँ दो। आपको कुबेर मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। कुबेर साधना इसके लिए आर्थिक रूप से उन्नति के लिए धर्मशास्त्रों में कुबेर साधना का विशेष महत्व दिया गया है, इनकी आराधना करनी चाहिए। जो शास्त्रोक्त है तो कुबेर मंत्र जो है आप उनकी कर सकते, कुबेर की उपासना, भगवान कुबेर की उपासना करना चाहिए। एक अनुष्ठान जीवन में तो करना चाहिए, कुबेर जी का मंत्र या कोई नहीं कुछ भी हो तो मैं आपको छोटा सा मंत्र भी बता दिया है लाइव में, आपको उसी को करो। और कम से कम जब भी मंत्र करो तो 1,00,000 से कम नहीं करना। आहुति देनी है तो कम से कम 10,000 आहुति, तो ज्यादा हवन सामग्री की जरूरत नहीं है, बस सब तिल है, बस एक तिल से ही अपने आहुति कर दो। इस प्रकार से आप प्रयोग करिए,